लेट्स स्टार्ट जी, कोई एक आप में से पढ़ ले प्लीज इस हदीस को पहले। रिलीजन इज सिंसेरिटी, ये पढ़े, मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़े ताकि आप लोगों को आइडिया हो अंदाज क्या है इस हदीस का। जी प्लीज शामिर पढ़ो। देखो इस हदीस के अंदर पहले इस हदीस का स्ट्रक्चर समझ लो। रसूल अल्लाह की हदीस क्या है? रसूल अल्लाह की हदीस ये है, रिलीजन इज सिंसेरिटी। ठीक है, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हदीस के अंदर लफ्ज आया है नसीहा का। ठीक है, इसका मतलब होता है सिंसेरिटी। जब रसूल अल्लाह ने ये कहा रिलीजन इज सिंसेर, अच्छा ये सही बुखारी के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है ये हदीस। जब रसूल अल्लाह ने ये कहा कि रिलीजन इज सिंसेरिटी, तो जो सहाबा थे, असहाब थे, ठीक है, उन्होंने ये पूछा किसके साथ सिंसेरिटी, तो रसूल अल्लाह ने क्या जवाब दिया, अल्लाह के साथ सिंसेरिटी, मैसेंजर के साथ सिंसेरिटी, लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी के साथ सिंसेरिटी, और विद द कॉमन पीपल। डज दैट मेक सेंस? ये हदीस है हमारी। अब हमें क्या करना होता है इसके अंदर, जो है ना वो हमें मेन थीम्स बताने होते हैं कि हमें इससे लर्निंग्स क्या क्या मिल रही हैं, और फिर दूसरा ये बताना होता है कि हम उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर। पहले पार्ट में 2 मार्क में आपको ये बताना होता है कि इससे हमें टीचिंग्स क्या मिल रही है। जो पहला आप देखें, आपके पास ये बोल्ड करके मैंने नोट्स में देखें ये लिखा हुआ, डिस्क्राइब द टीचिंग्स अबाउट व्हाट मुस्लिम्स बिलीव। ये जो पार्ट है ये भी 2 मार्क का होता है, और इन टीचिंग्स को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं ये भी 2 मार्क का होता है। इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो अक्सर बच्चे अच्छा कर लेते हैं, बिकॉज क्यों अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वो पार्ट इवैल्यूएटिव पार्ट होता है, उसमें एग्जामिनर आपका आंसर कभी भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता, हर कोई अपने अपने तरीके से बताएगा ना इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब आपके लिए सिंसेरिटी कुछ और तरीके से होगी, मेरे लिए सिंसेरिटी कुछ और तरीके से, तो जब तक आप इस्लाम की बाउंड्री में रहते हुए आंसर करते हैं ना, तो एग्जामिनर उसको इवैल्यूएटिव जजमेंट के तौर पर या इवैल्यूएटिव आंसर के तौर पर क्रेडिट करेगा। ठीक है, लेकिन जो पहला पार्ट होता है उसके अंदर आपको मेन थीम्स वही जो नजर आ रहे हैं उन्हीं का जो है ना वो जिक्र करना होता है। तो जैसे इसके अंदर पहला हमने लिखा है डिस्क्राइब देयर टीचिंग्स के अंदर, कि इस्लाम के अंदर सिंसेरिटी, उर्दू में क्या कहते हैं सिंसेरिटी को, हाँ अरबी है वो, उर्दू में क्या कहते हैं, वो बंदा बहुत सिंसेर है। आप इस सिंसेयर को जान सकते हैं कि वो ऑनेस्ट है या सच्चा है। ठीक है, हाँ ट्रूथफुल भी कह सकते हैं वैसे सिनोनिम के तौर पर। सिंसेयर का मतलब होता है सच्चा होना, सच्चा जो दिल में है वही उसकी जबान पर हो, वही उसके मुंह पर हो। ठीक है, तो इस्लाम के अंदर सिंसेरिटी इज द बेस ऑफ ऑल थॉट्स, ऑफ ऑल स्पीच, ऑफ ऑल एक्शन। इन अदर वर्ड्स सिंसेरिटी जो है वो इस्लाम के कोर पर लाए करती है। सिंसेरिटी लाइज एट द कोर ऑफ इस्लाम। यानी अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, फर्ज करें इसके ऊपर हम आगे चल के थोड़ी सी बात करेंगे, अगर मैं जो है वो खैरात करता हूँ, रमजान आता है, मुझे पता है रश का टाइम है, मैं होटल के सामने अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर जाता हूँ और खैरात कर रहा होता हूँ, तो और दिल में मेरे क्या है, मुझे शो मिल रहा है, लोग मेरे को देख रहे हैं, तो ऐसी खैरात, ऐसी चैरिटी का कोई भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह कह रहे हैं रिलीजन इज सिंसेरिटी। अगर आपने वो टास्क सिंसेरिटी के साथ नहीं किया, आप कर तो चैरिटी रहे, लेकिन आपकी नीयत क्या है, चैरिटी करने की है, आपकी नीयत तो ये है कि मुझे लोग देखें कि मैं क्या कर रहा हूं, तो इसको हम एक अच्छा डीड काउंट नहीं करेंगे। इस्लाम के अंदर एक ऐसा बंदा सिंसियर नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो ये हदीस जो है बेसिकली व्हाट इट ट्राइज टू डज इज दैट इट इक्वेट्स इस्लाम टू सिंसेरिटी। यानी ये हदीस कहती है कि इस्लाम और सिंसेरिटी बराबर है। अगर एक मुस्लिम है और वो सिंसेर नहीं है, तो वो मुस्लिम कभी भी बोले, अगर एक बंदा जो मुस्लिम होने का दावा करता है और सिंसेयर नहीं है, तो वो कभी भी सच्चा मुस्लिम नहीं बन सकता। यू कैन नॉट सेट जस्ट स्टैंड। ठीक है, आगे चलें। इस्लाम के अंदर ये आपको मैंने बात बता दी गई कि सिंसेरिटी इज द बेस ऑफ एवरी थॉट एंड स्पीच। ठीक है, अल्लाह कुरान के अंदर क्या कहता है, एंड वी हैव ऑर्डर्ड देम नथिंग बट दे वर्शिप अल्लाह
एंड बी सिंसेयर इन देयर रिलीजन. अल्लाह कहता है और मैं क्या मांग रहा हूं निकम्मों से, और कुछ मांग रहा हूं मैं, मुझे क्या किसी चीज की कमी है या मैं तुम्हारी इबादत का भूखा हूं. अल्लाह कहता है कि अगर कर रहे हो इबादत पक्के तरीके से करो, विद सिंसेरिटी करो, क्योंकि हमारे लिए दीन जो है हमारा वो सिंसेरिटी का नाम है. इस्लाम इज अनदर नेम ऑफ सिंसेरिटी. समझ गए बात को. तो पहला थीम हमारे पास ये है, ठीक है. दूसरी चीज, चूंकि इस्लाम का दारोमदार जो है वो सिंसेरिटी पे इतना बड़ा है, यानी कि सिंसेरिटी इस्लाम के अंदर इतना बड़ा रोल प्ले करती है, तो इट इज वेरी वर्थ मेंशनिंग ऑन दिस जंक्चर के अगर हमारे एक्शंस खाली हैं, इफ आर एक्शंस आर वॉइड, इफ आर एक्शंस आर डिवॉइड ऑफ गुडविल ऑफ गुड इंटेंशंस, तो हमारे एक्शंस अल्लाह की नजर में कोई मायने. ये आप लोगों ने सुनी होगी रसूल अल्लाह की हदीस के आमाल का दारोमदार नियत पर है. बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो यहाँ पर नहीं मेंशन की है मैंने नोट्स में, जो जैसे जैसे लेक्चर के दौरान आती जाएंगी. तो यू कैन राइट दिस हदीस अपने पास के यू नो एक्शंस आर डिपेंडेंट अपॉन इंटेंशंस. आपके जो इंटेंशंस हैं उस वो देखे जाएंगे आपके एक्शंस देखने से पहले. अगर फर्ज करो मैं किसी की मदद कर रहा हूँ इसलिए कि यार मुझे कल वो मदद करेगा या फेम मिलेगा, तो वो मदद का कोई फायदा नहीं है. तो रसूल अल्लाह की हदीस है ये कि जो अमाल का दारोमदार नियत पर है, ठीक है. एक्शंस आर डिपेंडेंट अपॉन योर इंटेंशंस. ठीक है. अब आप लोगों को हर दफा हम बकरा ईद मनाते हैं, बहुत गर्मी हो रही है तो ये आप उतार सकते हैं ना. हम हर दफा बकरा ईद मनाते हैं, ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा, ठीक है. तो उसके अंदर हम हमेशा ये सुनते हैं बयान के अंदर, क्या सुनते हैं, अल्लाह क्लियरली कहता है सूरह बकरा के अंदर, ना तुम्हारा गोश्त मुझ तक पहुंच रहा है, ना तुम्हारा खून मुझ तक पहुंच रहा है, ये तुम्हारी नियतें हैं जो मुझ तक पहुंच रही हैं. समझ रहे हैं आप बात. ये हर बार हम ईद उल अज़हा के अंदर सुनते हैं लेकिन इस चीज को भूल जाते हैं. एक कुरान की आयत है जो आप लोगों के सामने है, यहाँ अल्लाह तुम्हारी वेल्थ नहीं देखता है. अल्लाह क्या क्या कहा आपने, अच्छा हेल्थ देखते हैं. आप तस्बीह करें, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, मुझे वाज करने का मौका दें, आप लोग सिर्फ सुने, ठीक है ना. अल्लाह आप लोगों की नियत देखता है बनिस्बत आपके पजेशंस के. ये हमारे पास जो है ना वो इसकी आयत आपको सुनाई मैंने सूरह बकरा के अंदर, ये जो ईद उल अज़हा पर हमारे सामने कोट की जाती है. और दूसरा ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट की हदीस है कि अल्लाह इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर वर्ल्डली पजेशंस, व्हाट ही सीज इज दैट व्हिच इज इन योर हार्ट. ये लिखी हुई हदीस आप लोगों के सामने, सही मुस्लिम से हदीस है ये. सो कहने का मकसद ये कि अगर हमारी नीयतें साफ नहीं हो, अगर फर्ज करें अगर आज हम क्लास में आए हुए पढ़ने की नियत से नहीं आए, बस इस वजह से आए कि वरना ये हमारा जीना हराम कर देगा अली जान, तो आप लोग जो है ना वो सही नियत से नहीं आए, इसका मतलब यू आर नॉट सिंसियर टुवर्ड्स योर एजुकेशन. जो पार्ट बी में सवाल आते हैं ना उसमें तुम लोगों को अपने इवेल्युएटिव आंसर देने होते हैं, तो तुम लोग बताओ हम एज ए स्टूडेंट कैसे सिंसियर हो सकते हैं अपनी स्टडीज के साथ. बिकॉज नॉलेज इज अ ब्लेसिंग इन इस्लाम, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह. ठीक है, समझ आ रही है बात. सो दिस जस्ट अ सेकंड, मैं आप लोगों को ये नोट भी दे देता हूँ, सब सुने जरा. इसी तरीके से अब हम इस हदीस का जो है ना वो बारीकी से जायजा लेते हैं. रसूल अल्लाह क्या फरमाते हैं, सिंसेरिटी का मतलब क्या है, सिंसेरिटी टू अल्लाह. अल्लाह के साथ हम किस तरीके से सिंसेर हो सकते हैं बताएं, यानी कि हम अल्लाह को ये माने कि अल्लाह एक है, नहीं ये नहीं बताना है इस पार्ट के अंदर कि किस तरह में बताना है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस हदीस, ठीक है. हदीस में ये कहा गया है कि रिलीजन इज सिंसेरिटी. सहाबा पूछते हैं किसके साथ, तो पहला क्या रसूल अल्लाह फरमाते हैं किसके साथ, अल्लाह ताला के साथ. अल्लाह इज आर क्रिएटर, हम अपने क्रिएटर के साथ कैसे सिंसेर हो सकते हैं, हम इस बात का अकीदा रखें कि अल्लाह एक है. तौहीद का कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, दिस इज वन ऑफ द you know the key themes in this hadith, ki hum allah se kis tarike se sincere ho sakte hain ye maan ke ki allah
एक है, अल्लाह रब है, अल्लाह क्या है, रब, परवरदिगार पालने वाला है अल्लाह हमारा, ठीक है, अल्लाह हमारा बनाने वाला है, अरेबिक में इसको क्या कहते हैं, खालिक। ये अरेबिक टर्म्स यहाँ नहीं है, P1 के नोट्स में है, लेकिन यहाँ पर अपने पास आप लिख लें अगेन, अल्लाह इज आर क्रिएटर, अल्लाह एक है, तौहीद, ए वननेस ऑफ अल्लाह एंड यूनिकनेस ऑफ अल्लाह, दोनों में फर्क क्या है बेटा, वननेस ऑफ अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह एक है, ग्रामेटिकल वन की बात कर रहे हैं, और यूनिकनेस का मतलब ये होता है कि अल्लाह इज मैचलेस। अगर किसी को याद ना हो कुरान की वो आयत तो मैं दोहरा दूं उसके लिए, से हाई अबव ऑल इज अल्लाह द किंग द ट्रूथ, अल्लाह कहते हैं, कह दो कि सबसे ऊपर अल्लाह है, सबसे बड़ा बादशाह और हक ट्रूथ, ठीक है। सो हम अपने क्रिएटर के साथ किस तरीके से सिंसेयर हो सकते हैं, हम अपने क्रिएटर के साथ इस तरीके से सिंसेयर हो सकते हैं जैसे कि हमने ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह एक है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक। अच्छा, आगे रसूल अल्लाह क्या फरमाते हैं, आप लोग ये की टर्म जरूर लिख लें, क्रिएटर मीन्स खालिक, क्रिएटर का अरेबिक टर्म है खालिक, ठीक है, एंड सस्टेनर का अरेबिक टर्म है रब, ठीक है। तो सिंसेरिटी टू अल्लाह मीन्स कि हम अल्लाह की वर्शिप करें, अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखें, अल्लाह की यूनिकनेस पर ईमान रखें, इस बात पे ईमान रखें कि अल्लाह के अलावा को, अल्लाह की परमिशन के अलावा कोई भी मैटर इस दुनिया का चल नहीं सकता, ठीक है, और अल्लाह के मैटर्स में कोई भी अल्लाह की परमिशन के बगैर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है, और हम वो तमाम आदतें छोड़ दें जो अल्लाह को नापसंद है, ठीक है। इसी तरीके से रसूल अल्लाह आगे इसमें फरमाते हैं कि सिंसेरिटी टू अल्लाह, उसके बाद कहते हैं, उसके बाद रसूल अल्लाह फरमाते हैं सिंसेरिटी टू हिज बुक, अल्लाह ताला की कौन सी बुक की बात हो रही है यहाँ पर, होली कुरान की, क्यों, क्योंकि कुरान जो है इट्स अ कल्मिनेटिंग स्क्रिप्चर ऑफ ऑल द लिटरेचर, ये एक कल्मिनेटिंग स्क्रिप्चर है, कल्मिनेटिंग CULMINATING, कल्मिनेटिंग का मतलब होता है दुनिया की तमाम उलूम का मरकज कुरान शरीफ है, जितना भी इल्म आज दिन तक मैंने, चाहे वो साइकोलॉजी हो, सोशल साइंसेस हो, जितना भी मैंने किताबें पढ़ी उसकी बुनियाद मैंने ये पाया कि हर चीज का जिक्र अल्लाह ताला ने पहले से कुरान शरीफ में, ये हम बेवकूफी है हमारी कि हम समझ नहीं पाते यार, अरेबिक जबान शुरू कुरान से हुई है, क्लासिकल अरेबिक, कुरान ग्रामर है, ग्रामर अरेबिक की, एक एक लफ्ज के 70 से ज्यादा मायने निकलते हैं, तो अब सोचें कितनी डीप किताब है कुरान, हजारों नहीं लाखों सफे, करोड़ों सफे लिखे गए कुरान के ऊपर, तफसीर के ऊपर, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है ऐसी नायाब किताब, ऐसी यूनिक किताब, तो हम तो कुरान के साथ हम किस तरीके से अपनी सिंसेरिटी शो कर सकते हैं, बोलें। पहला तो आप इस तरीके से सिंसेरिटी शो करेंगे कि ये अल्लाह का कलाम है, कुरान इज नॉट क्रिएटेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद, कुरान इज अ मिरेकल ऑफ अल्लाह, कुरान इज अ मिरेकल ऑफ अल्लाह। पहला तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप अपनी हिस्ट्री बुक के साथ सिंसेरिटी शो करें तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर मैं ये मानूंगा कि इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है, आप उसकी केयर करेंगे। इसी तरीके से हम कुरान के साथ किस तरीके से सिंसेरिटी शो कर सकते हैं, हम कुरान के साथ पहला तो ये अकीदा हमारा होना चाहिए कि कुरान अल्लाह ने उतारा, किस पर उतारा, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर उतारा, अल्लाह की आखिरी किताब है कुरान, इसके अंदर ता कयामत कभी भी कोई चीज, सूरह हिजर के अंदर अल्लाह कहता है कि हमारा जिम्मा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुरान को ता कयामत महफूज रखेंगे, सूरह हिजर की ये आयत है, ठीक है, कि हम कुरान में कोई भी तब्दीली आने, तो ये सारी चीजें जब हम बिलीव करते हैं इसका मतलब वी आर सिंसियर विद द होली कुरान। और प्रैक्टिकली हम किस तरीके से बेटा सिंसियर हो सकते हैं कुरान के साथ, कुरान की रेसिटेशन करके, कुरान की तिलावत करके। और भी एक तरीका है कुरान के साथ सिंसियर होने का प्रैक्टिकल, इस्लामिक कैलीग्राफी ऑफ द होली कुरान। जो लोग हाथ से कुरान को कॉपी करते हैं ये एक बहुत ही बड़े से फखर की बात है, सही है, इट्स हमारे पास इतना टाइम है, आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के बताएं आप लोगों ने आखिरी बार कुरान को कब खोला था, है हम में से यहाँ पर कोई जो ये बोल सकता है कि हम रेगुलर पढ़ सकते हैं,
कितनी दूर है हम। और फिर आप हम सवाल ये करते हैं कि सर मुसलमान में कोई साइंटिस्ट क्यों नहीं बनता और अंग्रेज क्यों बन रहे। समझ गए आप बात को? तो कुरान के साथ सिंसेरिटी आप रेसिटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप कुरान को अगर कॉपी करते हैं तो दैट इज ऑल्सो यू नो एन एक्ट ऑफ शोइंग सिंसेरिटी कि हमें मोहब्बत है। आपके पास टाइम है? आप लोग मेरे नोट्स कॉपी करते हो? बोलते हो नहीं जाएंगे यार, ये बोलता रहेगा बंदा, इसकी बकवास सुनेंगे आ जाएंगे, डांटेगा, ये करेगा वो करेगा। लोगों ने अपनी जिंदगियां निकाली है कुरान कॉपी करने में। ठीक है, आप लोग में से कितने यहाँ पर है जिनको मैंने कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट शो की है? किसी को शो की है? हाथ से लिखे हुए कुरान। ठीक है चलें, लेट्स मूव ऑन। तो दिस वाज माय पॉइंट कि हम जो है वो कुरान के साथ इस तरीके से सिंसियरिटी हो सकते हैं। और अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 2, किसी को याद है? ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदलिल मुत्तकीन। याद है क्या कह रहा है अल्लाह? सूरह बकरा की आयत नंबर 2 है, शाज पढ़ो इसको। दिस बुक इज अ गाइड टू दोज हु गार्ड अगेंस्ट एविल। सही है, ये किताब एक रहनुमाई का जरिया है तुम्हारे लिए, उनके लिए, उनके लिए जो बुराई के अगेंस्ट खड़े रहना चाहते। अगर हम ऐसा करें कि हम खुद ही बुरे बनते जाएं तो अल्लाह बोलता है फिर ऐसों को तो जो है वो कोई भी जो है वो गाइड हमारी तरफ से हासिल नहीं होगी, और वो कहाँ पर चले जाएगा? गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन, गुमराहों के रास्ते पर चले जाएगा। सही है, अल्लाह बोलता है पना मांगो। किस चीज से पना मांगो? कि हम बुराई के रास्ते पर नहीं। ये आप पढ़ लें, इसकी आयत का तर्जुमा पढ़ लें, अल्लाह कहता है सूरह फातिहा के अंदर। लेकिन चूंकि हमारी नाअहली ये है, हम इतने अहमक हैं, हम शेख चिल्ली बन चुके हैं कि हमें पढ़ना ही नहीं है कोई चीज। सूरह फातिहा के अंदर कह रहे हैं अल्लाह ये मेरा अजाब है। अगर आप, अगर अल्लाह को किसी से दुश्मनी करनी होती है ना, अल्लाह पता है क्या करता है? अल्लाह उसको गाइडेंस से ना महरूम कर देता है। जिस तरीके से अबू जहल जाहिल ही रहा पूरे पूरी जिंदगी, उसको कभी भी इल्म हिकमत अल्लाह की समझ ही नहीं है। समझ रहे आप बात को? तो दिस इज माय पॉइंट कि कुरान के साथ सिंसेरिटी आप किस तरीके से शो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं खुद बोल रहा हूँ, इसमें मैंने जॉट डाउन नहीं किए, तो मेक श्योर यू टेक नोट्स ऑफ दैट एज वेल। कोई मसला है यहाँ तक? ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। सिंसियरिटी टू मैसेंजर, मैसेंजर के साथ हम किस तरीके से सिंसियर हो सकते हैं बोले। तो आप लोग बोलेंगे सर पहला तो हमारा ये अकीदा होता है कि तमाम जितने भी पैगंबर भेजे गए वो किसने भेजे हैं? अल्लाह कह रहा है, नहीं कोई कह रहा है कुरान के अंदर कि कयामत के रोज कोई भी शख्स ये नहीं कह सकेगा कि हमने उसे गाइड करने के लिए मैसेंजर, हमने हर कौम के लिए मैसेंजर भेजा है। टोटल कितने मैसेंजर्स हैं दुनिया में? 1 लाख। कुरान में कितने मेंशन है नाम के साथ? नहीं गलत बोले, 25। 25 कितने? 25। और तमाम कंपैरेटिव लिटरेचर को स्टडी करें अगर आप, सारे तमाम तो आपको पता चलता है कि 100 के करीब अंबिया के नाम हमें मिलते हैं। यानी आप जुडाइज्म पढ़े, क्रिश्चियनिटी पढ़े, हर रिलीजन को स्टडी करें कंपैरेटिव रिलीजन को, तो आपको पता है तकरीबन 100। लेकिन कुरान में बाय नेम कितने प्रॉफिट्स हैं? 25। तो हमारा प्रॉफिट्स के साथ हम किस तरीके से बेटा सिंसेयर हो सकते हैं? तो वो ये तरीका है सिंसेरिटी शो करने का कि हमारा ये अकीदा हो। क्या अकीदा हो? कि सारे अम्बिया अल्लाह ताला ने भेजे, और उसमें सरताज यानी खातमुन नबीयुन कौन है? होली प्रॉफिट, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, यस। तो और प्रॉफिट मोहम्मद के साथ आप किस तरीके से सिंसेरिटी शो कर सकते हैं? ये माने कि वो फाइनल मैसेंजर है। बाय बिलीविंग दैट ही इज द फाइनल मैसेंजर ऑफ अल्लाह, बट आल्सो मानने से नहीं होता। इस्लाम के अंदर द नेक्सस, सुनना इस डायलॉग को और अपने पर लिख भी लेना, वहां पर नहीं लिखा है। द नेक्सस ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिकलिटी इज इनसेपरेबल इन इस्लाम। द नेक्सस ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिकेबिलिटी इज इनसेपरेबल इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर खाली बोल बच्चन से फायदा नहीं होता है। तो ये कहना कि हम उन्हें मान लें, नहीं, आप उनकी सुन्ना को फॉलो करने की कोशिश करें।
तब आप बोलेंगे कि हाँ भाई हमारा ये अकीदा है, या हम जो है वो सिंसेयर हैं टुवर्ड्स आवर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो सिंसेरिटी टू मैसेंजर इज द बिलीफ दैट ऑल प्रॉफिट्स वर सेंट बाय अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट मैसेंजर, ठीक है, और इसके साथ साथ हम इस बात पे यकीन करें कि हमें जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो मैसेज दिया है दैट इज द कुरान, दैट इज फ्रॉम अल्लाह। प्रॉफिट मोहम्मद वाज अ ट्रूथफुल पर्सन, मोस्ट ऑनेस्ट, सादिक अमीन थे, और हम रसूल अल्लाह की सुन्ना को अमल करने की रसूल अल्लाह की सुन्ना पर अमल करने की कोशिश करें। तो दैट इज सिंसेरिटी विद द मैसेंजर, डज दैट मेक सेंस? अच्छा, इसी तरीके से यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं, दो मिनट बाद बता देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वाला। अच्छा आगे चलते हैं इसी तरीके से। जी शामिर, अब आपने सवाल किया, अब आप ही मुझे बताएं, अल्लाह से सिंसेरिटी, किताब से सिंसेरिटी, रसूल अल्लाह से सिंसेरिटी, उसके बाद किससे सिंसेरिटी? लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी यानी अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन से सिंसेरिटी किस तरीके से आप शो कर सकते हैं अगर आपके लीडर्स हैं? मुझे जरा बताएं, जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आप सल्लम रहलत फरमा गए, तो क्या उसके बाद कंपेनियन आपस में लड़ रहे थे? किसी ने ये दावा किया था कि हमें खलीफा बनना है? कोई भी साहब ऐसा नहीं था, और इस्लामियात के अंदर तो इस चीज का जिक्र नहीं है। एक ओ लेवल्स का कोर्स है इस्लामिक स्टडीज, चूंकि आप लोगों से इस्लामियात ही नहीं होती तो इस्लामिक स्टडीज को तो रहने दे, लेकिन जिसको इस्लामियात में इंटरेस्ट है वो इस्लामिक स्टडीज का पेपर दे सकता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें एक सवाल आता है ये कि व्हाई वाज हजरत अबू बकर रिलक्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस टू टेक द ऑफिस ऑफ कैलिफेट? सवाल आता है चार मार्क का कि क्यों हजरत अबू बकर शुरू में हिचकिचा रहे थे ये ऑफिस लेने से। तो उसमें हम रीजन देते हैं कि उन्हें इस वो फील कंफर्टेबल फील नहीं करते थे कि मैं अपनी दोस्त की इस पोस्ट में हूँ, उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं करते थे कि इतना बड़ा ओहदा जो है वो दुख में थे रसूल अल्लाह की रहलत फरमाने, समझ रहे? तो कहने का मकसद ये है कि हम अपने उन लीडर्स से सिंसेरिटी क्या है उनसे सीखें। क्या सिंसेरिटी है कि क्या ऐसा क्या हमने आपस में झगड़ना शुरू हो गए कि लाओ बैतुल माल की चाबी हमें दे दो? नहीं, ठीक है। तो रिलीजन इज ऑल अबाउट सिंसेरिटी, एंड हाउ कैन वी शो सिंसेरिटी टू आवर लीडर्स? बाय ओबेइंग देम। जिस तरीके से उस वक्त के लोग खुलफाए राशिदीन की बातों पर अमल किया करते थे, उनसे सीखा करते थे, इसी तरीके से मुसलमानों को चाहिए कि अपने लीडर्स की तरफ सिंसेयर रहें। सही है। अब मैं आप लोगों को एक रसूल अल्लाह की हदीस बयान कर दूं। रसूल अल्लाह एक जगह पर फरमाते हैं कि जो मेरे कम्युनिटी लीडर्स के साथ सच्चा है वो मेरे साथ सच्चा है, और जो उनके साथ गद्दार है वो मेरे साथ गद्दार है। सही है। Whoso obey my commander obeys me, and whoso disobeys him disobeys me। ठीक है, ये रसूल अल्लाह की हदीस है। और फिर आखिर में रसूल अल्लाह इस हदीस के अंदर फरमाते हैं सिंसेरिटी टू द लोकल पीपल। हम अपने दूसरे मुसलमानों के साथ किस तरीके से सिंसेरिटी शो कर सकते हैं? उनको हेल्प करना, जेनरस रहना, काइंडनेस शो करना। ठीक है, तो गाइज ऑलवेज मेक श्योर कि ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में तुम्हें टीचिंग्स बतानी है, जैसे देखें यहाँ पर जस्ट रिविजिटेड कहते हैं कि रिलीजन इज सिंसेरिटी, और किसके साथ? टू द कॉमन पीपल। तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग हमारी ये बनी है कि कम्युनल बेनिफिट मस्ट यू नो कम अप या मस्ट कम आने दे दो उसको। कम्युनल बेनिफिट जो है वो ऊपर होना चाहिए बनिस्बत पर्सनल गेन के। तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी है कि कम्युनल बेनिफिट ऊपर होना चाहिए बनिस्बत पर्सनल गेन के। डज दैट मेक सेंस? अभी हमें ये नहीं बताना कि हम किस तरीके से इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अभी सिर्फ ये बताना है कि इससे हम समझते क्या है। तो जब रसूल अल्लाह कहते हैं सिंसेरिटी विद लोकल पीपल, इससे हमारी क्या समझ में आई? हमारी ये समझ में आई कि हमारे पर्सनल गेन्स को हमें मिनिमाइज करना चाहिए फॉर द मैक्सिमम या ग्रेटर गुड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। हमें अपनी उम्मा के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, हमें लोग अपने फेलो ब्रदर्स मुस्लिम एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के फायदे के लिए सोचना चाहिए। यस, पूछें। बिल्कुल ले सकते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जस्ट टू साइड एन एग्जांपल, वो एक्सप्लेनेशन में नहीं आएगी, थीमेटिक पार्ट में नहीं आएगी, आगे वाले पार्ट में आप उसको डाल सकते हैं। कोई मसला? तो ये हर मुसलमान पर अल्लाह ने फर्ज रखा है हमारे इस्लाम में
कि हम अपने फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की प्रॉपर्टी, उनकी ऑनर, लाइफ, हर चीज को प्रोटेक्ट करें। और वेलफेयर स्टेट का क्या काम होता है, जब हम कहते हैं पाकिस्तान इज अ वेलफेयर स्टेट, कि यहाँ के सिटीजन की प्रॉपर्टी, इज्जत, उनके राइट्स, ये सारी चीजें बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड होंगी। डज दैट मेक सेंस? कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? ठीक है। सो अब सवाल ये आता है पार्ट बी के अंदर कि हम इन टीचिंग्स को अपने एक्शंस में किस तरीके से उतार सकते हैं। जैसे अल्लाह के साथ सिंसियरिटी, इसको हम अपने एक्शंस में किस तरह उतारेंगे। आई एम गोइंग क्रोनोलॉजिकली, पॉइंट बाय पॉइंट वाइज, ठीक है? तो हम अल्लाह के साथ सिंसियरिटी शो कैसे कर सकते हैं, बताएं। तो आप लोग बोलेंगे अल्लाह ने जो अहकाम दिए हम उनके ऊपर अमल करें। सब वो तो दूर की बात, पहले तो हम ये इस बात पे यकीन कर लें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। यानी हम अल्लाह के साथ पार्टनर्स, एसोसिएट नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे। शिर्क का मतलब होता है टू एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह। यानी अगर आप अल्लाह की जात के साथ किसी और को नाउजुबिल्ला शरीक करते हैं तो दैट इज कॉल्ड शिर्क। और शिर्क एक ऐसा गुना है जो कभी भी माफी उसकी नहीं मिलेगी, ठीक है? अल्लाह ताला कहते हैं शिर्क की माफी नहीं है। कुरान क्या कहता है, सूरह फातिहा की आयत नंबर 5 आप देखें, यू अलोन डू वी वर्शिप एंड योर एड। सही है, समझ गए आप बात को? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है? हम पढ़ते हैं ये आयत नमाज में रेगुलरली, सूरह फातिहा की रेसिटेशन। नो नमाज इज कंप्लीट विदाउट द रेसिटेशन ऑफ सूरह फातिहा। जी जी बेटा, पार्डन, पार्डन, अपॉलोजी, PARDON, पार्डन या अपॉलोजी, ठीक है? इसी तरीके से कुरान के साथ हम सिंसेरिटी बेटा कैसे शो कर सकते हैं, हम कुरान के साथ सिंसेरिटी ऐसे शो कर सकते हैं कि हम कुरान को हिफ्ज कर सकते हैं। हाँ, हम कुरान को हिफ्ज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुरान की तालीम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कोई अगर बेचारा गरीब है लेकिन उसको बहुत शौक है कि मैं जो है, मेरे पास जो है ना वो कुरान की कॉपी अफोर्ड, अच्छी कुरान की कॉपी नहीं कर सकता है। या बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स चाह रहे होते हैं हम अपने बच्चे को ऑनलाइन, जो आजकल टैबलेट्स में और इस तरीके की कुरान फैसिलिटीज निकली हैं, वो प्रोवाइड करें, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम उन्हें वो, अगर हमारे पास फाइनेंशियल है चीज है तो हम उन्हें लेकर के दे सकते हैं। जैसे आजकल के बच्चों को बेस्ट तरीका कुरान सिखाने का ये, आप टैबलेट वाला कुरान ले दो और कुछ दो ही नहीं, बच्चा जब 5-6 साल का होगा वो अरबी में महारत हासिल कर चुका होगा। कुरान किताब, बच्चों को किताबें दो और सिर्फ कुरान दो, दैट्स इट। और टैबलेट्स आ गए आजकल तो, जो इस्लाम, जैसे फॉर एग्जांपल इस्लाम 360, इट्स अ ब्यूटीफुल ऐप, जबरदस्त ऐप है, जरूर अपने फोन में इसको डाउनलोड करें, इस्लाम 360। ऐसे ऐसे तुम लोगों को इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स के अंदर महारत हासिल होगी। हर नमाज के टाइम पे तुम्हें रिमाइंड कराएगा वो ऐप खुद ही, केयर्स नमाज टाइम। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये सारी चीजें जो है वो, खैर बहरहाल, तो हम कुरान के साथ इस तरीके से सिंसेरिटी शो कर सकते हैं कि हम उसे मेमोराइज करें, हिफ्ज करें, ठीक है? हिफ्ज करना कुरान को, जस्ट बाय द वे इट्स ऑल्सो अ सुन्नत। और कुरान के जो जो अहकाम है उनको हम अपनी डेली लाइफ में जो है वो उतारें, उनको हम अपनी डेली लाइफ में जो है वो अमले जामा पहनाएं। फॉर एग्जांपल फर्ज करें कुरान कहता है कि इंटरेस्ट हराम है, सूद रिबा हराम है, तो हम अगर कुरान के साथ सिंसियर हैं तो हम कभी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिसमें यू नो इंटरेस्ट का लेन देन हो, ठीक है? वी विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन सच अ कॉमर्स दैट यू नो इनकॉर्पोरेट्स interest taking या giving. Does that make sense? तो कुरान के अहकाम मानना भी sincerity है, और कुरान को याद करना, understand करना, कुरान की तालीम आगे पहुंचाना, ये भी sincerity, कुरान को translate करना, ये सारी sincerity में आता है, ठीक है? इसी तरीके से फर्ज करें हम प्रॉफिट मोहम्मद के साथ किस तरीके से sincerity show कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रसूल अल्लाह ने बोला है कि हमें ऑर्फन्स एंड बच्चों के साथ काइंड होना चाहिए, तो हम ऑर्फनेज जा सकते हैं, वहां पर जाके अगर हमें अडॉप्ट करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास औलाद नहीं होती है तो वो अडॉप्ट करते हैं। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, हमारे यहाँ तो इसका इतना रुझान नहीं है लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां पर लोग खुद की औलाद करने की जगह दूसरों की अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हम अपनी करें, पहले से भी तो एक मौजूद है ना, उसको भी तो हम पाल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी
हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि रसूल अल्लाह ने जिससे रसूल अल्लाह के साथ सिंसियर होने का मतलब ये है हम उनकी सुन्ना फॉलो करें, बिकॉज ही वॉज इंसान कामिल बेस्ट रोल मॉडल, इंसान कामिल बेस्ट रोल मॉडल, ठीक है। सो वी शुड ट्राई टू कॉपी द लाइफ स्टाइल और द सुन्ना ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। क्यों? क्योंकि अल्लाह भी तो यही चाहता है। अल्लाह क्या कहता है, हमने रहबर भेजा ही इसलिए है ताकि तुम उनसे उनकी नकल करो, उनसे सीखो, उनसे हिदायत हासिल करो। हादी है ना प्रॉफिट मोहम्मद, हमारे लिए अल्लाह की तरफ से रहबर है, गाइड है, ठीक है। तो डज दैट मेक सेंस? इसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला है कि ऑर्फिन्स को अच्छे से ट्रीट करो, तो हम कैसे बेटा ऑर्फिन्स को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं? अडॉप्टिंग और डोनेशंस कर सकते हैं, ऑर्फनेजेस यतीम खानों में जाके डोनेशंस कर सकते हैं कि भाई आज ऑर्फिन्स को हमारी तरफ से केएफसी खिला देना, आज ऑर्फिन्स को हमारी तरफ से, समझे, उनको उनका भी तो हक है ना। हम तो जाते हैं लेकिन हम कभी उनके बारे में नहीं सोचते, ठीक है। तो व्हाट वाज द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह टू द ह्यूमंस? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। इसी तरीके से इस मौके पर रसूल अल्लाह की वो हदीस आप लोगों को मैं याद कराता चलूं। रसूल अल्लाह कहता है कि आप में से उन लोगों का ईमान नहीं है जो कि मुझे अपने वालदैन से भी ज्यादा चाहता है। तो none of you believe until you love me more than your father and mother, ठीक है। ये सही बुखारी के अंदर जो है ना वो हदीस है, ठीक है। हाँ, फादर मदर पेरेंट्स, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये पोजेशंस, एक्चुअली ये हमारे खूनी रिश्ते हैं, ठीक है। वो याद कर लो ना कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह कहता है खून के रिश्तों से भी बड़े रिश्ते होते हैं। और कौन सी मिसाल देता है अल्लाह नूह अलैहि सलाम की, क्या मिसाल देते हैं कि आपका बेटा आपका सच्चा नहीं था लेकिन आपकी जो कौम है वो आपकी सच्ची, ठीक है। सो डज दैट मेक सेंस? इसी तरीके से एक और हमने ऊपर पढ़ा था कि सिंसेरिटी हमें अपने लीडर्स के साथ शो करनी है, तो किस तरीके से हम सिंसेरिटी शो कर सकते हैं? मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं, हमारा लीडर इस वक्त पाकिस्तान का कौन है? इमरान खान, ठीक है। लेकिन उनके साथ मैं किस तरीके से सिंसेरिटी शो कर सकता हूँ? मैं इस तरीके से सिंसेरिटी शो कर सकता हूँ कि मैं उसे हेल्प करूं, मैं बोलूं कि मेरी फील्ड है ये, मेरी इसमें एक्सपर्टीज है, मैं आपको सर्विस देना चाहता हूँ, समझ रहे हैं आप बात को। या फिर मैं जाऊं अपनी लीडरशिप को जाकर बोलूं COVID-19 में इतना हुआ है, मेरा जो बिजनेस है उसने बहुत प्रॉफिट किया था लास्ट टू लास्ट इयर्स, मैं चाहता हूं मैं अपना थोड़ा सा डोनेशन COVID-19 से जो लोग इम्पैक्ट हुए उनको, इससे क्या होता इतने इतने चाय के डब्बे इमरान खान दे रहा था वो थोड़े बड़े हो जाते, सही है। तो हम अपने लीडर्स के साथ किस तरीके से सिंसियर हो सकते हैं? फर्ज करें, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत सारे ऐसे लीडर लोग थे हमारे यहाँ पे, जावेद मियादा, सदरुद्दीन हाशवानी, जब इमरान खान ने डैम का अनाउंस किया तो इन्होंने खूब इमरान खान को डोनेशन दिया, सही है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बीइंग सिंसियर विद आवर लीडर। हाउ कैन यू बी सिंसियर विद योर लीडर? डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट एनी अदर वे? बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरीके से इमरान खान कह रहे हैं कि आप अपने घर पे बच्चा खुद की तरफ से लोकल कॉन्टेक्स्ट से सुना। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी वैलिड एग्जाम्पल कि राशन प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था उसके अंदर लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते थे, ठीक है, ओके। यही वाले बेटा, ये क्वेश्चन ही लिखे हुए, ये जो दो है ना ये क्वेश्चन ही लिखे हुए, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने फेलो मुस्लिम के साथ किस तरीके से सिंसेरिटी शो कर सकते हैं? फर्ज करें अगर हमें पता है, जी बोलो, वेरी गुड, फाइनेंशियल, और अगर फाइनेंशियल नहीं भी कर सकते तो हमें पता है, फर्ज करें हमें पता है खातून है, बेवा खातून है, विडो है, तो हमारी औरतें पंचायत की जगह, उनकी पंचायत कमेटी बनाए उसकी जगह क्या कर सकती है, उनके साथ जाके कंफर्ट करें, उनके बच्चों के बारे में पूछें कि आपके बच्चे कैसे हैं, आपको किसी मदद की जरूरत है तो हम हाजिर हैं, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये इस तरीके से हम जो है ना वो प्रैक्टिकलिटी शो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से उनसे पूछें कि आपके शोहर का इंतकाल हो गया, आपके हस्बैंड का, आपको रोजी रोटी में कोई तकलीफ तो नहीं है, हम आपकी मदद कर सकते हैं,
खाना बना के बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम अपने लोकल जो लेमैन क्लास है या जो हमारे फेलो मुस्लिम्स हैं हम उनके साथ सिंसियर, तो हदीस कहती है ना कि सिंसियरिटी इन रिलीजन का एक मतलब ये भी होता है कि हम अपने फेलो मुस्लिम्स के साथ सिंसियर हों। तो इस तरीके से, इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बेचारे रिलेटिव्स गरीब होते हैं लेकिन वो खुद बहुत वेल्दी होते हैं, तो वो अपने रिलेटिव्स को लोन देते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। तो क्या ये सही है, क्या ये सिंसियरिटी है? नहीं, हमें तो चाहिए कि हम उन्हें ऐसे ही दे दें, और अगर ऐसे नहीं भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट लोन पर इंटरेस्ट नहीं लें। समझ रहे हैं आप बात को? सही है, समझ रहे हो बात को? सो दिस इज हाउ यू कैन पुट दीज यू नो एक्शंस इन दीज टीचिंग्स इनटू एक्शन। डज दैट मेक सेंस?